की बड़ी खबर मिल रही है भरतपुर से। आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। खड़ी बस में पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भावनगर से मथुरा के लिए जा रही थी बस, रास्ते में रिफ्रेश टाइम के लिए रोकी गई थी 5 मिनट के लिए बस, तभी पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मार दी। घटना की सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। लखनपुर थाना इलाके में हंतरा गांव के पास की घटना है। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लखनपुर थाना इलाके के हंतरा गांव के पास की घटना है। और दीपक पुरी हमारे साथ भरतपुर से जुड़ गए। दीपक, क्या बस को ऐसी जगह खड़ा किया गया था जो रास्ते में थी या सड़क के ऊपर या किनारे लगाया गया था? देखिए आसिफ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना दुखद भीषण हादसा है कि जो आसपास के इलाके हैं वहां पूरी तरह से गमगीर माहौल है। इस घटनाक्रम में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। और ये बस जो है वो भावनगर गुजरात से मथुरा के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में करीब 4 बजे के लगभग की बात है, बस को जो हंतरा पुलिया है वहां पर कोई पाइप लीकेज हो गया था, जिसके कारण वहां पर खड़ा किया गया था। कुछ यात्री रिफ्रेश टाइम के लिए गए थे तो कुछ यात्री बस में बैठे हुए थे, तभी एक ट्रेलर पीछे से आता है और बस में टक्कर मारता है और करीब 30 फीट तक बस को आगे घसीटता हुआ ले जाता है। और उसके बाद वहां से जो ट्रेलर चालक है वो ट्रेलर को लेकर के फरार हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में 11 लोगों की मौत होती है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी स्थिति गंभीर है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है और जो मृतक हैं उनके जो शव हैं उनको अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया जाता है। पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। एडिशनल SP लाखन मीणा सहित स्थानीय जो थाने के जो SHO है वो वहां पर लगातार जांच कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेलर चालक है वो ट्रेलर को लेकर के फरार हो गया। अब उस ट्रेलर का जो पता है लगाया जा रहा है कि ये किधर की तरफ गया है, किसका ट्रक ट्रेलर है और क्या किस तरह से लापरवाही रही, इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन इस वक्त ये मतलब दर्शकों के लिए बड़ी खबर है कि दुखद इतना भीषण हादसा है कि चारों तरफ गमगीन माहौल है। इससे पहले भी एक दुखद हादसा जो है रूपास इलाके में देखा गया था, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये हादसा भी इसी तरह का हादसा है। ये यात्री भावनगर से मथुरा जा रहे थे, तभी रास्ते में इनकी जो स्लीपर कोच बस थी वो खराब हो गई थी। पाइप उसका लीकेज बताया जा रहा था कि जो पाइप है वो फट गया था, उसके कारण वो हंतरा जो पुलिया है वहां पर खड़ी कर दी थी। हालांकि सड़क किनारे जो है अलग से जो है बनाए जाते हैं बसों को या ट्रकों को खड़े करने के लिए, लेकिन वहां पे ना करके जो हाईवे है उसके किनारे पे ही जो पटरी है वहां पर खड़ी की थी। लेकिन ट्रक चालक की किस तरह से लापरवाही रही जिसके कारण उसके पीछे से टक्कर मारी, इन पूरे मामलों की जांच की जा रही है। लेकिन आसिफ, ये बड़ा दुखद हादसा है जी। जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। तो इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक बड़ा हादसा भरतपुर से कहा जा सकता है। भावनगर से मथुरा के लिए बस जा रही थी और पीछे से एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी, और हैरानी की बात यह है कि ट्रेलर चालक वहां से फरार हो चुका है। पुलिस के हाथ अब तक खाली है और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में दर्दनाक तरीके से 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 5 मिनट के लिए बस को रोका गया था ताकि यात्री पास के किसी होटल के अंदर चाय पानी या रिफ्रेश हो सके, और इसी 5 मिनट के दरमियान पीछे से एक ट्रेलर आता है, जबरदस्त टक्कर मारता है खड़ी बस को और इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो जाती है और ट्रेलर चालक अपने ट्रेले को लेकर वहां से भाग जाता है। और एडिशनल SP लाखन मीणा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लाखन जी, बहुत ही दर्दनाक हादसा है, एक सड़क पर खड़ी बस को ट्रेलर चालक टक्कर मारकर भाग जाता है, 12 लोगों की मौत हो जाती है, पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। लाखन जी, नहीं, ट्रोला पकड़ लिया है और 11 मौत हुई है, 12 नहीं हुई है, अभी तो डेड बॉडी गई नहीं है वहाँ और अस्पताल में रखा हुआ है। लाखन जी, क्या कार्रवाई की, ट्रेलर पकड़ा है या ड्राइवर भी पकड़ा है? ट्रेलर पकड़ा है, ट्रेलर वाला छूट गया है तो एक घंटे।
लाखन जी, आपने उस चालक को पकड़ने के लिए क्या कुछ किया है, क्योंकि खड़ी बस को टक्कर मारी गई है? वो सब मैसेज करवा दिए हैं और जो उसकी तफ्तीश अनुसंधान जारी है। लाखन जी, सभी मृतक राजस्थान के रहने वाले हैं या अलग राज्यों के हैं? नहीं, ये यात्री हैं और गुजरात के हैं। इनके घर वालों को सूचना दे दी लाखन जी आपने? डिस्कनेक्ट कर दिया लाखन मीणा, एडिशनल एसपी ने फोन को डिस्कनेक्ट किया है। बहुत सारी जानकारियां उनसे लेनी थी, और एक बार फिर से बता दे, ट्रेलर चालक फरार है। सिर्फ ट्रेला जो ट्रेलर जिसको जिसने टक्कर मारी उसे पकड़ लिया गया है। और जैसा कि लाखन मीणा एडिशनल एसपी ने बताया कि ये सभी गुजरात के लोग हैं, ये यात्रा पर थे और घर वालों को सूचना संभवतः दे दी गई होगी, क्योंकि सभी के पास अपनी आईडी रही होगी, यात्रा पर थे सभी लोग। और दीपक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दीपक, लाखन मीणा एडिशनल एसपी से बात हुई, बहुत ही संक्षेप में उन्होंने बताया कि ट्रेलर पकड़ा गया है और 12 लोगों की जगह 11 की मौत हुई है, ट्रेलर चालक अभी भी फरार है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है और ट्रेलर चालक अभी तक फरार है। देखिए, बिल्कुल, इस घटना के बाद जो ट्रेलर चालक है वो ट्रेलर को लेकर के फरार हो गया था और उसने बस में तरह से टक्कर मारी थी कि जो बस है वो करीबन 25 से 30 फीट तक घसीटती हुई चली गई थी और उसमें जो यात्री बैठे हुए थे पीछे की तरफ, उनमें से बताया जा रहा है 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने चारों तरफ जो है नाकाबंदी कराई क्योंकि ट्रेलर चालक लेकर के फरार हो गया था और अभी जैसे की जानकारी मिल रही है कि ट्रेलर पकड़ लिया है लेकिन चालक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लगातार चालक की भी तलाश की जाएगी और जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। और ये बस जो है भावनगर गुजरात से मथुरा की तरफ जा रही थी, इसी दौरान इसका जो हंतरा पुलिया के पास में जो बस का पाइप है वो डीजल पाइप वो लीकेज हुआ जिसके कारण बस खराब हो गई और वहां पर खड़ी कर दी। खड़ी होने के दौरान कुछ यात्री उसमें से बाहर भी निकले और कुछ अंदर ही बैठे हुए थे। इसी दौरान ट्रक जो ट्रेलर है वो पीछे से आता है और जोरदार टक्कर मारता है जिसके बाद 25-30 फीट तक आगे बस घसीटती हुई जाती है। घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर जो स्थानीय थाना पुलिस है उसके साथ एडिशनल एसपी सीओ है सब मौके पर पहुंचते हैं और आनन फानन में जो हाईवे की जो एम्बुलेंस है उसके साथ जो अस्पतालों की एम्बुलेंस है उनकी मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि इस घटनाक्रम में किसकी लापरवाही रही, ट्रेलर चालक की किस तरह से जो है लापरवाही रही और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज वहां पर लगे हैं उनमें भी देखा जा रहा है कि किस तरह से कोई फुटेज इस तरह सामने आया हो कि बस कहाँ पे खड़ी थी, ऐसा तो नहीं कहीं बस ज्यादातर सड़क पे क्या किनारे पे खड़ी करते हैं लेकिन खराब होने के कारण सड़क पर खड़ी थी, कहाँ खड़ी थी, इन पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा दुखद हादसा है ये और इसमें 11 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जी दीपक, एडिशनल एसपी ने बताया कि सभी यात्री गुजरात के रहने वाले थे, सभी मृतकों के घर वालों को सूचना दे दी गई है? दीपक, देखिए, मृतकों के सूचना के बारे में अभी हमने अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि इनका जो सामान है उसमें किस आधार कार्ड है और उनके आधार पर जो पहचान है वो की जा रही है, उसके बाद में जो कार्रवाई है वो की जाएगी, इनके परिजनों को सूचना दी जाएगी। अभी फिलहाल सबसे पहले पुलिस ने जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया है और जो मृतक है उनके सब को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। अब वो जो उनका सामान है उनकी जो आइडेंटिफिकेशन की जो कार्ड है उनके आधार पर उनकी पहचान की जाएगी और उसके बाद वहां की पुलिस से संपर्क करके उनके परिजनों को जानकारी दी जाएगी। परिजन भरतपुर पहुंचेंगे, उसके बाद जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो की जाएगी। जी यकीनन दीपक, क्योंकि संभवतः ये सभी लोग यात्रा पर थे और इनके पास आईडी कार्ड रहे होंगे, इनके घर वालों को सूचना दे दी गई होगी। ट्रेलर चालक चूंकि वहां से ट्रेलर को टक्कर मारकर बस को टक्कर मार के फरार हो गया, दीपक संभवतः बहुत ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अगर उस हाईवे के या आसपास के बाजार के अगर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं तो आसानी से पता चल सकता है दीपक कि किस तरफ गया है। देखिए बिल्कुल, पुलिस जो है वो सबसे ज्यादा इसी तलाश में लगी हुई है कि ट्रेलर चालक कहाँ फरार हुआ है, क्योंकि ट्रेलर चालक जब पुलिस की गिरफ्त में होगा तो उससे लगातार पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या लापरवाही उसकी रही। अब इस गिरफ्तारी के लिए लगातार जो ट्रेलर चालक के भागने की जो संभावना है, किधर भाग सकता है, उसको लेकर के लगातार पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है, आसपास के इलाके में
जो है नाकाबंदी भी कराई है कि अगर कोई इस तरह का कोई सस्पेक्टेड व्यक्ति मिलता है तो पुलिस को सूचना दी जाए। ये तमाम चीजों को लेकर के लगातार पुलिस ने कंट्रोल रूम के जरिए पूरे जिले में मैसेज भिजवाया है और पूरे मामले को लेकर के जो सभी थानों की पुलिस है वो अलर्ट है, क्योंकि एक बड़ा हादसा ये हुआ है। इसमें लगातार पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो घायल है उनको समय पर इलाज के लिए पहुंचाया गया जिससे उन्हें कोई ज्यादा तकलीफ ना हो, लेकिन फिर भी जो घायल है उनमें कई गंभीर रूप से घायल है जिनका भरतपुर के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो मृतक हैं उनको अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। एडिशनल एसपी लाखन मीणा वहां पर पहुंचे हुए हैं, पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और लगातार इस पूरे मामले में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल दीपक, जैसा कि लाखन मीणा ने भी बताया कि वो इस समय जो है वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। दीपक, बड़ा दर्दनाक हादसा है क्योंकि 11 लोगों की अगर किसी हादसे में एक साथ मौत हो जाती है जो कि यात्रा पर थे, ऐसे में दीपक चश्मदीदों से आपकी बात हुई होगी, जिस जगह पर ये बस रुकी थी जहां पर ये लोग उतरे थे, कुछ लोग बस में बैठे थे, कुछ सड़क के ऊपर थे, पीछे से ट्रेलर आता है और बड़ी, चूंकि दीपक अंदाजा लगाया जा सकता है कोई छोटा वाहन नहीं होता है, बस बड़ी होती है, ट्रेलर को जानकारी होती है कि सड़क के ऊपर बस खड़ी है, ऐसे में इतनी जबरदस्त टक्कर मारना, तो क्या इसके कारण हो सकते हैं? वहां पर कुछ लोग मौजूद रहे होंगे, उन्होंने कोई जानकारी दी होगी इस बारे में? देखिए, सिर्फ इस पूरे मामले को मैं स्पष्ट तरीके से आपको बताना चाहूं कि जब भी नेशनल हाईवे पर कोई बड़ा हादसा होता है तो वो लगभग 3 बजे के बाद का होता है, क्योंकि जो चालक हैं, ट्रेलर चालक हों चाहे बस चालक हों, ये पूरी रात जो है बस चलाते हैं और चलाने के बाद में ट्रक चलाते हैं, तो जब सुबह का जो दौर होता है उस दौरान कहीं ना कहीं इनको परेशानी होती है और नींद की जो झपकियां हैं वो आती हैं और झपकियों के कारण ही जो है इस तरह के हादसे होते हैं। पहले भी नेशनल हाईवे पर हमने कवर किया है आसिफ की, कई बार बस पलट जाती है, कई बार जो बस है सड़क से नीचे उतर के खाई में कूद जाती है। ये सिर्फ इसी का कारण है कि सुबह के टाइम जब इनको नींद आने लगती है, झपकियां आती हैं, तो उस दौरान ये बड़ी लापरवाही होती है और उसके कारण इस तरह के हादसे होते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये भी इसी तरह का हादसा होगा, बस सड़क पर खड़ी होगी लेकिन जो ट्रेलर चालक है वो लंबा सफर करके आ रहा होगा और कहीं ना कहीं उसे इस तरह की नींद की झपकी आई होगी और उसके बाद इस तरह का जो हादसा है वो हुआ होगा, क्योंकि जो वक्त रहता है 4 बजे का, 3 बजे के बाद का जो वक्त रहता है उस समय एक गहरी नींद की जो संभावना है उनको आती है, क्योंकि पूरी रात वो जब वहां से चालक ट्रेलर या बस को लेकर के आते हैं तो परेशान होते हैं और सुबह के वक्त उनको नींद की झपकी आती है, जिसके कारण इस तरह के कई हादसे पहले भी देखने को मिले हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये भी हादसा कहीं ना कहीं झपकी के कारण ही होगा। लेकिन जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं श्रीगंगानगर से, ये बड़ी खबर, मौत पर बवाल, देर रात गांव वालों ने धरना शुरू किया, NH-62 पर शव के साथ धरना शुरू, ग्रामीणों की मौत से आक्रोशित हैं ग्रामीण, मृतक के आश्रितों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो देर रात से गांव वालों का धरना चल रहा है। और अशोक गंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अशोक, क्या अपडेट इस धरने को लेकर? देखिए आसिफ जी, ग्रामीण अभी भी नेशनल हाईवे नंबर 62 पर गांव मैयावाला के बस स्टैंड 3HHS के पास शव को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अक्सर वाहन चालकों के द्वारा अपना टोल टैक्स बचाने के लिए गांवों के बीच से वाहन गुजारे जाते हैं और दिन भर में लगभग हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं, जिससे हमेशा खतरा होने की आशंका बनी रहती है और ये खतरा बीती रात सही भी साबित हुआ। अज्ञात वाहन के द्वारा एक ग्रामीण को जो कि साइकिल पर सवार था उसको टक्कर मार दी गई, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल ग्रामीण बीती रात से ही नेशनल हाईवे नंबर 62 पर ग्रामीण मृतक ग्रामीण के शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन से उनकी मांग है कि गांव के बीच में से जो हजारों वाहनों की टोल बचाने के चक्कर में आवाजाही होती है उसको तुरंत प्रभाव से बंद की जाए, साथ ही साथ जो अज्ञात वाहन चालक है जो टक्कर मारकर फरार हुआ है उसकी गिरफ्तारी की जाए और मृतक जो ग्रामीण है उसके आश्रितों को मुआवजा दिया जाए। फिलहाल नेशनल हाईवे नंबर 62 पर सबके साथ जो ग्रामीण धरना दे रहे हैं तो उसकी वजह से निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में वाहन चालक भी खासे परेशान हो रहे हैं। हालांकि डाइवर्टेड रूट से वाहनों को इधर उधर डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रशासन के द्वारा उन्हें पुख्ता तौर पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दे दिया जाता, ग्रामीणों को
अनावश्यक की आवाजाही से बचने का, तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। जी अशोक, पुलिस का क्या कहना है इस मामले में, पुलिस पहुंची है समझाइश के लिए? देखिए, जैसे ही रात को धरना ग्रामीणों ने शव को रखकर शुरू किया, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस ग्रामीणों से समझाइश भी कर रही है कि शव को हटा लिया जाए ताकि नेशनल हाईवे पर जो यातायात बाधित हुआ है उसको बहाल किया जा सके। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वो पिछले काफी समय से अनधिकृत रूप से गाँव के अंदर जो हजारों की संख्या में वाहनों की आवाजाही हो रही है उससे परेशान हो रहे हैं। पहले भी स्थानीय प्रशासन को सूचित किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसी का ये नतीजा निकला कि बीती रात एक ग्रामीण को अपनी जान गंवानी पड़ी। हम विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि किस तरह से ग्रामीणों के द्वारा मृतक ग्रामीण के शव को सड़क पर ही नेशनल हाईवे नंबर 62 पर ही रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि तब तक प्रशासन के द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता वो धरना नहीं हटाएंगे। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर अलवर से, युवक की पिटाई से मौत हो गई, 6 लोगों पर मारपीट का आरोप। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में ये मौत हुई है। 8 सितंबर की रात को पिटाई की गई थी, युवक की मौत से लोगों में गुस्सा। तो अलवर से ये खबर है, युवक की पिटाई से मौत हो चुकी है, 6 लोगों पर मारपीट का आरोप है। इसे हॉस्पिटल ले जाया गया था लेकिन हॉस्पिटल में इसकी मौत हो गई। इसे जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में रेफर किया गया था और यहीं पर इसकी मौत हो गई। 8 सितंबर की देर रात की ये वारदात है जहां पर इस युवक को पीटा गया था। 27 तारीख को कुछ आपस में कुछ गुर्जर समाज के और मुस्लिम लड़कों के बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी, उसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई। एक बार इन्होंने महापंचायत नाम देकर के 30 तारीख को पंचायत, उसमें मुसलमान जो मेयर समाज के लोग थे वो जाकर के आए कि कोई छोटी मोटी बच्चों का आपस में कहासुनी हो गई तो इसलिए माफी चाहते हैं और झगड़ा मत करो, क्योंकि उसमें एससी एसटी एक्ट भी लगा दिया था, इसलिए मेयर ने 5-6 लड़के दे भी दिए थे, चलो गिरफ्तार हो गए शांति होके से भी। इस बीच भी कई बार गए लेकिन वो बार बार चैलेंज करते रहे। पुरुषोत्तम नाम का एक वकील है, वो बार बार एक ही चीज़ कहता रहा कि मैं बदला लूँगा, मैं बदला लूँगा। 8 तारीख की शाम को ये लड़का अपने खराद की दुकान से जा रहा था, इसको 6 लोगों ने गाड़ी में पकड़ के बैठा लिया और उसको इतनी बुरी तरह मारा पुरुषोत्तम के फार्म हाउस पर ले जाकर, जैसे मेरे पास सूचना है। और मारने के बाद में फिर वापस उसको पटक गए, उसके बाद में बहुत बेरहमी से उसको मारा गया, तो उन्होंने उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया, हॉस्पिटल अलवर रेफर कर दिया। वो आज सुबह तक हरीश हॉस्पिटल में भर्ती था। और राजेंद्र हमारे साथ अलवर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अलवर, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब युवक की मौत हो चुकी है और इसको लेकर हंगामा फिर से खड़ा हुआ है? जी, इसमें पहला अपडेट तो ये है कि जो मृतक के परिजन हैं और मेरे समाज के जो लोग हैं वो जयपुर एसएमएस अस्पताल पहुंच गए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि जब तक और चेतावनी दी है पुलिस को कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो शव को नहीं लेंगे, पहली चीज तो ये है। उसके बाद दूसरा, पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में अब धारा 302 के तहत मामला जो मारपीट का दर्ज है उसमें जो धाराएं हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो उसके आधार पर जो नामजद आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जो टीमें हैं वो लग गई थी। एसपी भिवाड़ी करण शर्मा से कुछ देर रात तक बात हुई थी, उनका कहना है कि 4 अलग अलग टीमें लगाई गई हैं और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब परिजनों का कहना है कि जब मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया गया था तो पिछले 4 दिन से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इसको लेकर के अब सवाल किया जा रहा है, तो लेकिन पुलिस के पास इसका कोई सवाल अभी तक नहीं है। लेकिन अब पुलिस जयपुर पहुंची है, पोस्टमार्टम कराएगी, परिजन जब तक आरोपियों गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव लेने से इनकार कर दिया है। इस बात को लेकर के अब गतिरोध जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में, वहां पर समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो उसके बाद क्या चीजें हो पाती हैं वो कुछ देर बाद पता चल पाएंगी। राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जयपुर से, कैटरिंग व्यवसायी से 20 लाख रुपए की लूट हुई। मानसरोवर इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जनता कॉलोनी निवासी दिनेश शर्मा से लूट हुई। न्यू सांगाने रोड पर होटल महारानी पैलेस के पास की वारदात है। परिचित बनवारी को रुपए देने जा रहा था कैटरिंग व्यवसायी, होटल के पास ही गाड़ी में सवार बदमाशों ने रेकी की, दिनेश के हाथों से रुपयों से भरा बैग छीन कर बदमाश भाग गए। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्धों की तलाश पुलिस कर रही है और लुटेरों की तलाश में नाकेबंदी भी की गई।
और विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विष्णु, एक बड़ी डकैती इसे कहा जा सकता है, 20 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर जो है वो लुटेरे फरार हो गए। क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, पुलिस ने शिनाख्त की, कौन लोग थे? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने फुटेज उठाया है, फुटेज में कुछ जगह पर संदिग्ध भी नजर आए, लेकिन पूरा जो मामला है पुलिस को बहुत गहराई से देख रही है, क्योंकि जो 20 लाख रुपए की रकम थी वो दिनेश शर्मा जो कि कैटरिंग कारोबारी थे वो अपने परिचित बनवारी को देने के लिए जा रहे थे, और बताया जा रहा है कि जमीन की लैंड से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जिसपे प्रॉपर्टी की खरीद फरोख से के लिए ये रकम जो है वो दी जानी थी, लेकिन इसी बीच रुपयों की डील से पहले यानी कि जबकि दिनेश शर्मा ने बनवारी को रुपए दिए उसके पहले ही होटल के महारानी के बाहर में करीब 5-6 बदमाश जो कि एक थार गाड़ी में आए थे वे इस बैग को छीन के ले गए। तो पुलिस ने कुछ लोगों को नामजद भी किया है संदेह के आधार पर, लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल पाया और पुलिस पूरे मामले को बहुत बारीकी से। जी विष्णु जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर कोटा से, सीएम गहलोत का कोटा दौरा आज है। सीएम गहलोत सिटी पार्क का लोकार्पण करेंगे, अलग अलग विकास कार्यों का भी अवलोकन करेंगे। सुबह 9:30 बजे जयपुर से रवाना होने का कार्यक्रम है, 10:15 पर कोटा पहुंच जाएंगे। दोपहर 12 बजे आयुष्मान भव अभियान के शुभारंभ समारोह में जुड़ेंगे। शाम 6 बजे उमेश सिंह स्टेडियम में होने वाली सभा को संबोधित करेंगे। गुरुवार सुबह 9:30 बजे कोटा से जयपुर जाने का कार्यक्रम है। और ये खबर जोधपुर से, विधायक दिव्या मदेरणा और पूर्व सांसद बद्रीराम में खींचतान। दिव्या मदेरणा का बद्रीराम जाखड़ से मंच साझा करने से इनकार, कहा जिंदगी में कभी भी मंच साझा नहीं करूंगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भेड़ गांव का बी टीम हमें हराने में जुटी है, मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगी। शब्दावली, मेरी मम्मी लीला जी मदेरणा और मेरे लिए वहां बात तो हमने कह दिया, हम इनके साथ कभी जिंदगी में स्टेज शेयर नहीं करने वाले। एमपी का टिकट मिला तो मैंने मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कह दिया और मैंने ऊपर दिल्ली तक कह दिया, मैंने जी आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप सभा ले लीजिए, लेकिन मैं इनके साथ कोई सभा नहीं लूंगी, क्योंकि मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं करती। मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि भरे मंच पे मैं और मेरी माताजी किस परिवार से आते हैं, दो महिलाएं सार्वजनिक रूप से अभद्र गालियां सुने तो ऐसी कोई ये ऐलान करने वाले हैं। आज दोपहर 12 बजे वो प्रेस से रूबरू होने जा रहे हैं।